और आपको अपडेट करें, सऊदी अदालत ने जाली कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाकर सऊदी अरब आने की कोशिश करने वाले बहरीन के दो शहरियों को कैद की सज़ा सुना दी। तफसीलात के मुताबिक बहरीनी शहरियों ने किंग फहद पुल के रास्ते सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए जाली कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट पेश किए थे। दोनों मुलजमान को एक एक बरस कैद की सज़ा सुना दी गई है। बहरीनी खबर रसा अदारे के मुताबिक बहरीनी शहर को किंग फहद पुल के रास्ते सऊदी अरब जाते हुए शक की बुनियाद पर रोका गया था। इब्तदाई तहकीकात से शक हुआ कि इनके कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट जाली हैं। बाद अजा हुकाम ने जब सर्टिफिकेट को चेक कराया तो जालसाजी साबित हो गई, जिस पर उन्हें फौजदारी की अदालत भेजा गया। जालसाजी के मुर्तकब बहरीन के दोनों शहरियों को एक एक साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस हवाले से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सरबराह ने मीडिया को बताया कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में रद्द बदल संगीन जुर्म है, जिस पर 10 बरस तक कैद की सज़ा बहरीनी कानून के तहत दी जाती है।